Hello everyone. Already yesterday we have done vendor sums, so that vendor category only is there, but something new condition they have mentioned in this question, so that I am telling you. So King Limited took over the asset of 25 lakh. So first entry, what we have to do? Asset account debit. So directly as I am reading the question, I am putting the entries, because asset they had took over for 25 lakh. So asset account debited by 25 lakh. They have taken liabilities of 6 lakh. So two liabilities, it will be 6 lakh. From of Queen Limited. तो Queen Limited is a vendor. तो vendor की जगह हम क्या लिखेंगे? To Queen Limited. But इन्हें हमें ये नहीं बताया कि Queen Limited को कितने पैसे दे रहे हैं. तो अभी हम इस entry को as it is छोड़ देंगे. We are leaving here because उन्हें purchase consideration हमें नहीं बताया है. ठीक है? तो इसीलिए इसको अभी हम यहीं की यहीं ऐसे ही लीव इट कर रहे हैं. सेकंड उन्होंने कहा है, किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसीडरेशन बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट. तो इनने जो जो चीजें दी हैं हम वो एक ही एंट्री बना दे रहे हैं. वेंडर अकाउंट डेबिटेड करते हैं तो वेंडर की जगह कर दे रहे हैं क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड टू बैंक, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं. पहले बताओ इस सेकेंड एंट्री में किसी को कोई डाउट है? फिर मैं अमाउंट डालना सिखा रही हूँ. इट्स क्लियर व्हाई आई हैव पुट सेकेंड एंट्री इन दिस वे, बिकॉज दे आर इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम एंड विद दैट दे आर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑल्सो, सो दैट ऑल थिंग्स आई हैड मेंशन हियर ओनली. अब उनने कहा है कितने शेयर्स इशू करें? 10,000. एक शेयर कितने का है? 100 का. तो मतलब आपके कितने हो गए? 10 लाख. प्रीमियम बताओ कितने का आएगा? प्रीमियम 10% बोला है, तो 10% किस पे निकालोगे आप? कल मैंने समझाया था प्रीमियम कैस Yes, value of share into 10%. एक शेयर की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका प्रीमियम कितना आ गया? 10 रुपीज का प्रीमियम आ गया. तो उतने ही शेयर्स को प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 1 लाख. बैंक में उनने कितना देने को कहा है? 11 लाख. अब इन सबको प्लस करो तो क्वीन लिमिटेड में कितना आ जाएगा? 22 लाख. बताइए पहले सेकेंड एंट्री में किसी को कोई डाउट है? देखो बेटा, फर्स्ट एंट्री में डाउट है? फर्स्ट एंट्री इज क्लियर. वी हैव नॉट रिटन अमाउंट इन क्वीन लिमिटेड बिकॉज वी आर राइटिंग विद द सेकेंड एंट्री. तो सेकेंड एंट्री इन क्वेश्चन दे आर सेइंग किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसीडरेशन. तो उनने परचेज कंसीडरेशन के लिए क्या क्या पे करा है? इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम. तो इसलिए क्वीन लिमिटेड हमारी वेंडर है, तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. साथ में उनने कह दिया बैंक ड्राफ्ट भी इशू करा है, इसलिए टू बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया टू बैंक. जिसमें उनने कहा है बैंक में 11 लाख दिए, तो 11 लाख लिख दिया. 10,000 शेयर्स 100 के हैं, तो शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 100 कर दिया. प्रीमियम इनने 10% बोला है, तो प्रीमियम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो पर शेयर वैल्यू, मतलब 100 का एक शेयर है, इंटू 10%, तो प्रीमियम आ गया 10 रुपये का. तो वही नंबर ऑफ शेयर इंटू आपका 10 रुपीज़ प्रीमियम. सबकी वैल्यूज को प्लस करा, क्वीन लिमिटेड में आ गया 22 लाख. बताइए अब ये ठीक है? क्लियर हुई ये एंट्री? अब देखो क्वीन लिमिटेड में हमने यहाँ पे 22 लाख लिखा है, तो क्वीन लिमिटेड ये भी है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? 22 लाख. अब आप प्लस करो,
तो क्रेडिट कितना हो जा रहा है 28 28 लाख, जबकि डेबिट में है 25 लाख। तो डिफरेंस कहाँ बच रहा है? ऊपर 3 लाख का। तो ये जो डिफरेंस बचेगा, कल मैंने समझाया था अगर डेबिट में डिफरेंस बचता है तो उसको किस नाम से लिखते हैं? तो आपकी गुडविल आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब आया समझ में कैसे ये क्वेश्चन करना है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऋषिका सेम ऐसे ही है। अब आप ट्राई करोगे आपसे बन जाएगा बेटा, मैं करवा दे रही हूँ। वो आप करोगे अपने आप की मैं करवाऊँ? कर लोगे? वहां पे भी देखो आपको ऐसे ही दिया है, एग्जैक्ट लिमिटेड ने परचेज करा है रनिंग बिजनेस ऑफ सिक्का एंड सन फॉर 30 लाख, पेबल 24 लाख इन फुली पेड अप शेयर्स एंड बैलेंस थ्रू चेक। तो यहाँ तो बेटा परचेज प्राइस पहले ही दी है 30 लाख, तो आप पहले वहाँ पे सीधे एंट्री लिखोगे ऑल असेट, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर के साथ टू वेंडर, मतलब सिक्का एंड सन, जिसमें 30 लाख सीधे लिख दोगे। और आप डेबिट और क्रेडिट को देखना, तो बैलेंस जहाँ बचेगा नीचे ही बचेगा, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आया समझ में? और सेकेंड एंट्री हो जाएगी सिक्का लिमिटेड टू शेयर और टू बैंक। सिक्का लिमिटेड में 30 लाख ही आ जाएगा, शेयर आप 24 लाख रुपए सीधे इनने निकाल के दिए 24 लाख, तो सीधे शेयर कैपिटल में 24 लाख लिख देना, और बैलेंस कितना बचा 6 लाख का जो बैंक में लिख देना। बस हो गया हमारा सब। कीप स्टडिंग।